हेलो दोस्तों, मैं हूं काला पहाड़ी और मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने घर से मक्कूमठ जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर तृतीय केदार भगवान श्री तुंगनाथ जी की डोली तुंगनाथ के मंदिर से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ के तुंगनाथ मंदिर में आ रही है। आप सभी ने तुंगनाथ मंदिर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया का सबसे ऊँचाई पर स्थित शिवा टेम्पल है, शिव भगवान का मंदिर। तो हर साल भगवान तुंगनाथ की डोली चोपता वाले तुंगनाथ मंदिर से यहाँ मक्कूमठ के तुंगनाथ मंदिर में आती है, जहाँ पर शीतकाल के लिए वो डोली यहीं पर रहती है। फिर दोबारा से ग्रीष्म काल में जब तुंगनाथ के कपाट खुलते हैं तो यहाँ से डोली वापस वहाँ चली जाती है। तो यहाँ मक्कूमठ में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, मेला लगने वाला है। सुनने में तो ये भी आया है कि चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखते हैं उनको कितना टाइम लगता है यहाँ पर आने में। हम अपने घर से निकल चुके हैं और अब मैं आगे मक्कू में दिखाऊंगा आपको किस तरीके से मेला आयोजित हुआ है, किस तरीके से भगवान श्री तुंगनाथ की डोली यहाँ पर आती है और कैसे कैसे पूजा पाठ वगैरह होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको यही दिखाने वाला हूँ। Meanwhile, आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ यूं है। A few moments later. तो दोस्तों, मैं मक्कू पहुंच चुका हूं। अब आगे दिखाऊंगा आपको यहां पर आयोजन कैसा है और कैसे पूजा पाठ हो रही है। आपको शायद से हवन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो आरती हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पर गाड़ियों की कितनी लाइन लगी हुई है। बहुत सारी गाड़ियां हैं दूर दूर तक। मुख्यमंत्री महोदय, धीरे धीरे गद्दी स्थल मक्कूमठ के जो स्थायी हेलीपैड बना हुआ है पहुंचने वाले हैं और अति प्रसन्नता हमारे इस तुंगनाथ घाटी के जन जन में है। अच्छा, तो जैसा कि आपने अनाउंसमेंट सुना था, अभी आपको हेलीकॉप्टर दिखेगा। हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, तो सीएम लैंड करने वाले हैं। यहाँ पर एक टेम्परेरी हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पर स्मोक दिख रहा है। One eternity later. तुंगनाथ महोत्सव जो कि आज यहाँ पर हो रहा है, इसको जो है जनपद स्तरीय मेला घोषित किया जाता है। आगे से जनपद स्तरीय मेला होगा। यहाँ पर अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग लंबे समय से है। यहाँ पर अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक। और अभी जो भी चीजें छूट रही है,
लगातार जो भी आपके माध्यम से आएंगी, क्योंकि अभी आज ये औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, आज केवल भगवान तुंगनाथ के इस महोत्सव में शामिल होने का कार्यक्रम था, इसलिए मैं बहुत घोषणा के हिसाब से यहाँ नहीं आया था, और लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने यहाँ पर किया है तो मैं इनकी घोषणा करता हूँ। और इसके अलावा जो भी यहाँ के विकास के लिए जरूरी काम होंगे वो सारे काम किए जाएंगे। मैं जब जब जनपद स्तर के भ्रमण पर आऊंगा तो मैं उनकी घोषणा और उनकी कार्य वृत्त पूरा बनाकर लाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर है ना, मुझे पूरा चलो।